हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क बढ़िया से काम कर रहे होंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक टॉपिक हम आपको ऑलरेडी बेटा पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है चार्ज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चार्ज के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। चार्ज क्या है, चार्ज कितने टाइप्स का होता है, चार्ज को कहाँ से डिनोट करेंगे, समझ आ रही बात? और जितने भी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो सभी आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। किसी भी प्रॉपर्टी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शायद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एक प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बचा हुआ है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों तक पहुंच नहीं पाया। मैं आज वो आपको बता दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया टॉपिक चार्ज के बारे में। मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है कूलम्स लॉ। देखिए भाई, आप ये समझिए बच्चों कि हम बहुत टाइम से, लगभग 7th या 8th से हम जानते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज यानी प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो प्लस माइनस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन वो कितना फोर्स अप्लाई करते हैं ये हम नहीं जानते हैं। हम ये तो जानते हैं कि चार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। अब हमारे महान साइंटिस्ट कूलम्स ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। उन्होंने ये काम किया कि भैया ऐसा है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम करेगा, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए उन्होंने बढ़िया सी एक एनालिसिस दे दी, ठीक है, जिसे हम कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। बड़ा कॉमन टॉपिक है जो 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। कुछ चुनिंदा बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें पूरा सिलेबस नहीं आता है, बस कूलम्स लॉ ही आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हमें सब कुछ सीख के चलना है अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा कूलम्स लॉ। देखिए स्टूडेंट, टॉपिक है हमारे पास में कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा होगा क्या, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल करेगा, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो। अगर हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर ये हमारे पास में दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा होगा क्या, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा इस तरफ और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अब अगर मैं यहां रख देता हूं, ये रखा हुआ है पॉजिटिव और इसे कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है नेगेटिव, तो बेटा होगा क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस रिपल्शन में और अट्रैक्शन में इनके बीच में काम करता है एक फोर्स। बस वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कूलम्स लॉ क्या कहता है, फिर हम कूलम्स लॉ की पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर कूलम्स लॉ, हेडिंग है बेटा कूलम्स लॉ, ओके। आप लोग लिखेंगे इसके अंदर लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक चार्ज
रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस, द फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस is directly proportional to the product of their charges, is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. ठीक है, यानी जो इनके बीच में फोर्स काम करेगा वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि बेटा कैसे कूलम्स लॉ काम करता है. भाई देखो, टॉपिक है हमारे पास में कूलम्स लॉ. अब क्या कहता है कूलम्स लॉ, आप जरा ध्यान दीजिएगा. माना कि हमारे पास में एक चार्ज है प्लस क्यू वन, ये हमारे पास में एक चार्ज है बेटा प्लस क्यू वन. हमारे पास में दूसरा चार्ज है प्लस क्यू टू. इनके बीच का जो गैप हम लोगों को दे रखा है, इनके बीच का गैप है आर. ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, और रिपल्शन में दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल इक्वल फोर्स लगाएंगे. दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे ना बेटा, वो बिल्कुल इक्वल फोर्स लगाएंगे. जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा बिल्कुल उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा. दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाने वाले हैं. अब कूलम्स लॉ ये कहता है कि भैया दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के. F is directly proportional to Q1 into Q2. उसके बाद कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो इनके बीच में फोर्स काम करेगा वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो फोर्स होगा वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है. फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. एक और बात है बेटा हमारे पास में, वो क्या है जरा समझिए, चार्जेस के बीच का मीडियम कैसा है, यानी यहां का मीडियम कैसा है. समझ रहे हैं आप लोग, चार्जेस के बीच में क्या है, ये इसे हम लोग बोलते हैं इंटरवेनिंग मीडियम. चार्जेस के बीच का मीडियम कैसा है, फोर्स इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी चार्जेस के बीच में हमने क्या भर रखा है. ये जो चार्जेस के बीच में हम लोगों ने मीडियम भर रखा है, इसका एक कॉन्स्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं के. आप पहले भी जानते हो के का नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. बात समझ में आ रही है, तो चार्जेस के बीच में कैसा मीडियम है फोर्स इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा बेटा, और चार्जेस के जो बीच का मीडियम है फोर्स इस मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. समझ आ रही बात, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. Force is directly proportional to 1 upon r square, या कह दो कि inversely proportional to r square, और force is inversely proportional to k. अब इन तीनों को समझिए अच्छे तरीके से. देखो, charges का product जितना ज्यादा होगा, यानी charges को multiply करके जितना बड़ा number आएगा, इनके बीच में उतना ज्यादा force काम करेगा. Number two,
चार्जेस के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम काम करेगा, क्योंकि फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरे नंबर पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, इसका मतलब ये है बेटा कि चार्जेस के जो बीच का मीडियम है, ये वाला मीडियम, ये जितना भारी मीडियम होगा, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, फोर्स उतना कम काम करेगा। यानी आप ये समझिए, एक बार तो चार्जेस के बीच में एयर है, एयर हल्का मीडियम होता है, और एक बार चार्जेस के बीच में वाटर है, वाटर भारी मीडियम होता है, तो भारी मीडियम में फोर्स कम काम करेगा और हल्के मीडियम में फोर्स ज़्यादा काम करेगा। यानी जब इन चार्जेस के बीच में एयर है तो फोर्स ज़्यादा काम करेगा, और जब इनके बीच में वाटर आ गया है तो फोर्स कम काम करेगा। इन तीन फैक्टर के ऊपर हमारा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया बेटा, हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया। अब जैसे ही हमने इन तीनों को कंबाइन किया तो ये बना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन के आर स्क्वायर। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम सब लोग जानते हैं और बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे और हटाकर एक कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट होगा ये 1/4πε0, साथ में होगा हमारे पास में q1 into q2 upon kr square। बेटा ये जो मैंने लगाया है ना 1/4πε0, देखिए 1 को भी आप जानते हैं, 4 को भी आप जानते हैं, पाई को भी आप जानते हैं, इसका नाम है epsilon0, epsilon0, समझ आ रही बात। खाली epsilon0 की जो वैल्यू हमारे पास में होगी वो होगी 8.85 × 10^-12, और पूरे 1/4πε0 की जो वैल्यू हमारे पास में होगी वो होगी 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, और ये होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। खाली epsilon0 की जो वैल्यू हमारे पास में होगी वो ये है, और पूरे 1/4π, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी, वो वैल्यू होगी हमारे पास में ये 9×10^9। यानी दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स काम करने वाला है बेटा, 1/4πε0 q1 into q2 upon kr square। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब धीरे धीरे मैं इसे और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा तो पूरी कहानी आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। देखिए पहला रिजल्ट हमारे पास में क्या है, नोट पॉइंट नंबर 1। बेटा नोट पॉइंट नंबर 1 हमारे पास में ये है, एक चार्ज हमें यहाँ दिया गया है +Q1, एक चार्ज हमें यहाँ दिया गया है यह है +Q2, और इनके बीच में है एयर, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये डिस्टेंस है स्मॉल r, इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है स्मॉल r। अब डेफिनेटली एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, इनके बीच की डिस्टेंस r है और एयर है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, समझ रहे हैं आप लोग, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बेटा करेंगे रिपेल, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा मैं ये लिखूंगा, फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्जेस का प्रोडक्ट है q1 q2 और अपॉन में है r स्क्वायर। अब वो यहाँ k लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको k लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आप ऐसे लिखेंगे
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एयर के लिए के की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। समझ आ रही बात आप लोगों को? एयर के लिए के की वैल्यू वन होगी, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में रहने वाली है। अब हम बढ़ते हैं आगे और पॉइंट नंबर टू की तरफ जाते हैं। देखिए, एक चार्ज है हमारे पास में प्लस Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास में प्लस Q2। हमने इनके बीच में यहाँ एक मीडियम फिल करा दिया है बेटा, ये पूरा एक मीडियम है, ये हमने मीडियम फिल करा दिया है और इस मीडियम का जो कांस्टेंट है वो हमें दिया गया है K। इस मीडियम का जो कांस्टेंट है वो हमें दिया गया है K, और दोनों चार्जेस के जो बीच का गैप है ये हमें दिया गया है स्मॉल r। समझ रहे हैं आप लोग? तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा बेटा, अब हम लिखेंगे फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, ये द फोर्स इन एयर, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और अपॉन हो जाएगा हमारे पास में के आर स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ के नहीं था लेकिन यहाँ के है। तो इन दोनों रिजल्ट से हम ये कंडीशन बना सकते हैं, इन दोनों रिजल्ट से हम ये रिजल्ट तैयार करेंगे, रिजल्ट नंबर वन कि एयर में फोर्स हमेशा ज़्यादा काम करता है, फोर्स इन एयर ग्रेटर ग्रेटर देन ऑफ फोर्स इन मीडियम, हमेशा एयर में ज़्यादा फोर्स काम करेगा, मीडियम में कम फोर्स काम करेगा। समझ रहे हो बेटा? एयर में हमेशा ज़्यादा, जब दो बॉडीज़ एयर में रखी होंगी वहाँ ज़्यादा फोर्स काम करेगा, और जब वही बॉडी मीडियम में रखी होंगी तो फोर्स कम काम करेगा। ठीक है, ओके। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास में ये, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। ये रिजल्ट है बेटा हमारे पास में। अगर आपको एयर में फोर्स दे रखा है ना, कि भाई दो बॉडीज़ एयर में रखी हैं, उनके बीच में एयर है, इंटरवेनिंग मीडियम एयर है, और उनके बीच में इतना फोर्स काम कर रहा है, जब उन्हीं दो बॉडीज़ को उठाकर हमने लिक्विड के अंदर इमर्ज करा दिया, फिर बताओ कितना फोर्स काम करेगा। वेरी इजी, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ के से डिवाइड कर देना है, जो भी एयर का फोर्स होगा उसे के से डिवाइड कर देना है। के का मतलब क्या है? के का मतलब है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आप उन्हें डुबोगे उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ से आप लोगों की फोर्स इन मीडियम की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये पहला रिजल्ट है, एयर में फोर्स इतना काम करेगा, मीडियम में फोर्स इतना काम करेगा, एयर का फोर्स हमेशा मीडियम के फोर्स से ज़्यादा होता है, और अगर मीडियम में फोर्स निकालना है तो एयर में जितना भी फोर्स काम कर रहा होगा उसे आप के से डिवाइड कर देंगे। के का मतलब होता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बात और कोई परेशानी नहीं होगी। आप नोट करिए, हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। सो आप लोगों ने इतना काम तो कर लिया होगा, अब हम बात करेंगे आगे और देखते हैं कि और आगे हमारे सामने क्या रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। ठीक है, इतना आप लोग अपनी कॉपी के अंदर ना नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास में, देखिए ज़रा भाई। हमने आपको बताया है कि जो कूलम्स लॉ है उसका फॉर्मूला है ये, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में है के और यहाँ है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो भैया देखो, आप F को तो जानते हो, F है आपके पास में फोर्स, फोर्स की जो एस आई यूनिट रहती है, फोर्स की जो एस आई यूनिट रहती है वो रहती है न्यूटन, न्यूटन। समझ रहे हो बेटा, फोर्स की एसआई यूनिट रहती है न्यूटन, और इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो रहेगी ये एम एल टी माइनस टू। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार हर एक जानकारी आप लोगों तक पहुँचे बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी परेशानी आप लोगों को ना रहे।
ये फोर्स की SI यूनिट है और फोर्स की डायमेंशन है। इसके बाद हम बात करते हैं Q की। बेटा Q को भी आप जानते हो, Q का नाम है चार्ज, ठीक है। चार्ज की जो SI यूनिट है वो है आपके पास में कूलम्ब। चार्ज की SI यूनिट है कूलम्ब और चार्ज की जो डायमेंशन है आपके पास में वो है एटी। एटी ए का मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर, और टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है। ए का मतलब है एम्पियर, टी का मतलब है टाइम, ये इसकी डायमेंशन है बेटा, ठीक है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अब है हमारे पास में 1/4πε0। 1/4πε0 एक कॉन्स्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो 1/4πε0 है ये एक कॉन्स्टेंट है, और इस 1/4πε0 की दो वैल्यूज हमारे पास में होती है। एक वैल्यू होती है इसकी 9×10⁻¹, ये वैल्यू इसकी SI सिस्टम में है, जो हम फिजिक्स में जर्नली यूज करते हैं ना SI सिस्टम, उस सिस्टम में 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁻¹। एक और बात हम आपको बताते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1, सिर्फ और सिर्फ 1, ओनली 1, और ये वैल्यू होती है CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगर CGS यूनिट की बात हो रही है या CGS सिस्टम की बात हो रही है, CGS सिस्टम आप समझते हैं, कोई भी लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, कोई भी मास है वो ग्राम में है, कोई भी टाइम है वो सेकंड में है। लेंथ सेंटीमीटर में है, मास ग्राम में है, टाइम सेकंड में है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू रहेगी 1, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो SI यूनिट होगी बेटा, SI यूनिट, देखो मैं CGS यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, SI यूनिट की बात कर रहा हूँ। 1/4πε0 की जो SI यूनिट होगी वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब की पावर -2, और इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन 1/4πε0 की जो डायमेंशन होगी, 1/4πε0 इस पूरी वैल्यू की जो डायमेंशन होगी, यूनिट से हम इसकी डायमेंशन बना देंगे, क्या डायमेंशन बनेगी, न्यूटन फोर्स की यूनिट है और फोर्स की डायमेंशन होती है ये MLT-2। मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट होती है L स्क्वायर, डायमेंशन होती है L स्क्वायर। कूलम्ब चार्ज की यूनिट है और चार्ज की डायमेंशन होती है AT, तो ये बन जाएगा AT⁻²। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में ML³ T⁻⁴ A⁻², ये बनेगी बेटा हमारे पास में डायमेंशन। समझ आ रही बात आप लोगों को, ये हमारे पास में डायमेंशन बनने वाली है, A⁻², बनेगी ये 1/4πε0 की डायमेंशन है। अगर मैं खाली निकालना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन ऑफ ε0, खाली ε0 की डायमेंशन, इस ε0 का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई दी अभी पिछले लास्ट पेज पर, 8.85×10⁻¹². मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी 8.85×10⁻¹². ये डायमेंशन किसकी है, ये डायमेंशन है 1/4πε0 की। खाली ε0 के डायमेंशन निकालनी है तो इसका उल्टा कर दो, और जैसे ही इसका उल्टा करेंगे, m का उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, m⁻¹, L का रिवर्स करेंगे, L⁻³, T⁴, A⁻² ये JEE के अंदर आई हुई प्रॉब्लम है बेटा, JEE के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो उम्मीद है कि जो पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ समझाई है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये हमारे पास में फोर्स की वैल्यू है 1/4πε0 के Q1 Q2 r² 1/4πε0 कांस्टेंट है, जिसकी दो वैल्यू हो सकती है बेटा आपके सामने। एक वैल्यू इसकी हो सकती है 9×10⁻¹, 99% हमें इसी वैल्यू का यूज़ करेंगे। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम 1/4πε0 की जगह ये रखेंगे 9×10⁻¹।
सिर्फ बहुत ही कम, ये समझ लो कि 99.9% ये फॉर्मूला रखा जाएगा, 0.1%, सिर्फ 0.1%, जहाँ साफ साफ लिखा होगा सीजीए सिस्टम की बात हो रही है, वहाँ 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की जगह लिखेंगे हम लोग 1। ठीक है, फोर्स के बारे में आप जानते हैं न्यूटन और इसके डायमेंशन मैंने बता दी, चार्ज के बारे में आप जानते हैं यूनिट और डायमेंशन मैंने बता दी, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट कॉन्स्टेंट है, SI यूनिट ये है याद रखिएगा, डायमेंशन ये है, और खाली एप्साइलन नॉट जिसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसके डायमेंशन है आपके पास में, ये JEE के अंदर आई हुई प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की यूनिट ये है, हमने यूनिट से डायमेंशन बना दी, न्यूटन फोर्स की यूनिट है जिसकी डायमेंशन ये रही, मीटर लेंथ की यूनिट है डायमेंशन ये रही, कुलम्ब चार्ज की यूनिट है डायमेंशन ये रही, पुट किया सॉल्व किया डायमेंशन बन गई हमारे पास में, उल्टा कर दिया एप्साइलन नॉट की डायमेंशन बन गई, फाइनली हमारे पास में आता है के। के का नाम है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और ये होता है यूनिटलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ना तो इसकी कोई यूनिट होती है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है, ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। उम्मीद है कि आप लोग पूरी कहानी समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा इसके अंदर जिन्हें आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि ये पूरी कहानी आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी और यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि एयर में, अगर मैं एयर में कूलम्स लॉ अप्लाई करता हूँ इन एयर, तो फॉर्मूला लगेगा ये एफ इन एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, और यहाँ लगेगा Q1 × Q2 / r² एयर में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर यही चीज़ मैं मीडियम में अप्लाई करता हूँ, मीडियम में बेटा ध्यान से बिल्कुल, अगर यही चीज़ हम मीडियम में अप्लाई करते हैं तो बनेगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, यहाँ बनेगा Q1 × Q2 / kr² आप जानते हैं कि मीडियम में कम फोर्स काम करेगा और एयर में फोर्स ज़्यादा काम करेगा। इसका एक छोटा सा थियोरटिकल एग्जाम्पल है हमारे पास में, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। NaCl, आप जानते हैं कि NaCl क्या होता है, NaCl है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, मैंने NaCl को अपनी हथेली पे रखा हुआ है, यानी एयर में रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही NaCl यानी कॉमन सॉल्ट को मैं अपने हाथ पे रखूंगा तो वो एयर में डिसॉल्व नहीं होगा, एयर में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही NaCl को पानी के अंदर डाला जाता है, वाटर के अंदर डाला जाता है, तुरंत NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होता हो जाता है। आपको फिजिक्स के बेसिस पर इसे एक्सप्लेन करना है। तो अब आप ये देखिए कि जब सबसे पहले NaCl एयर में है, एयर में तो Na के ऊपर है प्लस और Cl के ऊपर है माइनस। बेटा ध्यान से, Cl के ऊपर है माइनस, अब Na प्लस और Cl माइनस और इनके बीच में है एयर, तो Na ने Cl को पकड़ के रखा हुआ है, Cl ने Na को पकड़ के रखा हुआ है, दोनों के अंदर मजबूत फोर्स काम कर रहा है, दोनों अलग नहीं होंगे। अगर दोनों अलग नहीं होंगे तो NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, एयर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ये बात एयर की हो रही है ना, एयर में Na+ और Cl- के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है,
जिसकी वजह से ये एयर में डिजॉल्व होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये हवा में बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल भी एयर में डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही NaCl को, जैसे ही NaCl को बेटा हम लोग वाटर के अंदर डालते हैं, यानी पानी के अंदर डालते हैं, तो आप ये समझिए कि Na+ और Cl- इनके बीच में आ जाता है वाटर, इनके बीच में यहाँ आ जाएगा वाटर। और जैसे ही इनके बीच में वाटर आएगा, इनके जो बीच में फोर्स काम कर रहा था वो वीक हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा वीक, फोर्स हो जाएगा वीक। यहाँ फोर्स काम कर रहा था स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मीडियम आ गया ना मीडियम, तो मीडियम में कम फोर्स काम करता है और एयर में ज़्यादा फोर्स काम करता है। तो यहाँ फोर्स कम काम करेगा और यहाँ फोर्स ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ तो Na और Cl ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ था मजबूती के साथ, और यहाँ Na+ और Cl- जो होंगे उनके बीच का जो फोर्स है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, हल्का सा वीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स वीक हो गया तो NaCl से अलग हो गया, और जैसे ही NaCl से अलग हुआ तो ये समझ लो कि NaCl वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया। तो यही कारण है कि NaCl एयर में तो डिजॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि एयर में Na और Cl के बीच में रहती है एयर, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। लेकिन जैसे ही NaCl को हम वाटर के अंदर डालते हैं, तो हमने जो कूलम्स लॉ में पढ़ा कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है K के, फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है K के। हम लोगों ने पढ़ा ना बेटा कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K, यानी अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। तो यहाँ वाटर के लिए K की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए इनके बीच का जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा। और जैसे ही इनके बीच का फोर्स वीक होगा, ये दोनों यानी Na और Cl दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग होंगे NaCl वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमारा रहने वाला है, ये एक थियोरेटिकल सी प्रॉब्लम है जिसे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है बेटा। अब हमने आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बता दिया है, 1/4πε0 का मतलब हमने आपको बता दिया है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये हमने आपको बता दिया है, एयर में क्या फॉर्मूला लगेगा ये भी हमने आपको बता दिया है, मीडियम में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी हमने आपको बता दिया है। अब हम छोटे छोटे बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स हम इसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि कूलम्स लॉ से रिलेटेड पूरी कहानी सब कुछ हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, तो करें स्टार्ट, आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्या और कंडीशंस हमारे पास में रहेंगी, ध्यान से देखिएगा आप लोग जरा। नंबर वन कंडीशन हमारे पास में आएगी बेटा, ये चार्ज है हमारे पास में +Q1, ये चार्ज है हमारे पास में +Q2, इनके बीच का जो गैप है वो R है। तो क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ। जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा बिल्कुल उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। यानी कूलम्स का जो लॉ है वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ हम लोगों ने कहीं 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन लॉ, उसे सक्सेसफुली वेरीफाई करता है। यानी ये चार्ज यहाँ जितना फोर्स लगाएगा बिल्कुल उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज यहाँ अप्लाई करेगा, और इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू हमारे पास में रहेगी, ध्यान से, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू हमारे पास में रहेगी ये 1/4πε0, यहाँ होगा Q1, यहाँ होगा Q2, और अपॉन में होगा R2। इतना फोर्स काम करेगा बेटा इनके बीच में, 1/4πε0 Q1 Q2 / R2। दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये है, एक चार्ज हमें दे रखा है +Q1, दूसरा चार्ज हमें दे रखा है -Q2, और इनके बीच का गैप है R। सबसे पहले आप ये देखो, ये प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा बिल्कुल उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। देखो ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। जब आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे ना बेटा, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और वेक्टर क्वांटिटी में माइनस कोई मायने नहीं रखता बिल्कुल भी। यानी जब आप इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करोगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज हो गया है Q1, दूसरा चार्ज हो गया है Q2, ये एयर है इनके बीच में और यहाँ भी एयर है इनके बीच में। देखो मैंने माइनस लिया नहीं ना यहाँ पर, तो आप लोग भी ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल करते समय माइनस आपको नहीं लेना है। और नीचे आ जाएगा आपके पास में R2, ये आ जाएगा, इतना फोर्स काम करेगा इनके बीच में 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। उम्मीद है कि इतनी कहानी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई हो। ये फार्मूला हमने प्लस प्लस के बीच अप्लाई किया, ये फार्मूला हमने प्लस माइनस के बीच अप्लाई किया, ठीक है। आगे बताते हैं आप लोगों को, देखो ध्यान से सुनिएगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास में ये है बेटा, देखो हम एक ट्राइंगल दे रखा है कुछ ऐसे, ठीक है। यहां का जो चार्ज है हमारे पास में वो है प्लस क्यू, यहां का चार्ज है प्लस क्यू, यहां का चार्ज भी है प्लस क्यू। समझ रहे हो आप लोग, आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको वैल्यू बिल्कुल नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। अब कैसे हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक साइड को आप पकड़ लीजिए, सबसे पहले आप एक साइड को ले लीजिए बेटा, एक साइड को हमने सबसे पहले ये वाली साइड ले ली। देखो यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव, ये प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, ध्यान से ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, ओके, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ आई हो बात। अब ये वाली साइड आप ले लीजिए, ये वाली साइड, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ। अब ये वाली साइड आप ले लीजिए, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, कुछ इस तरीके से। इस कॉर्नर के ऊपर भी दो फोर्स काम करेंगे, इस कॉर्नर के ऊपर भी दो फोर्स काम करेंगे और यहां इस कॉर्नर के ऊपर भी दो फोर्स काम करेंगे। प्लस प्लस ने एक दूसरे को रिपेल किया ऐसे, प्लस प्लस ने एक दूसरे को रिपेल किया ऐसे, प्लस प्लस ने एक दूसरे को रिपेल किया ऐसे, इस तरीके से इनके बीच में फोर्स काम करेंगे बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, जल्दी से नोट डाउन करिए, अभी आगे बढ़ना है हम लोगों को। ओके चलिए अभी और दो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, देखिए थर्ड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारे पास में, ये ट्राइंगल हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। यहां का चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू और ये चार्ज है प्लस क्यू। ध्यान से देखिए आप लोग, आपको बताना है कि तीनों कॉर्नर्स के ऊपर कितना और किस तरीके से फोर्स काम करेगा, तीनों कॉर्नर के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा और उसकी डायरेक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे। अब आप देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो होगा क्या, ये नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पॉजिटिव इस तरफ अट्रैक्ट होगा। बेटा बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि कहाँ रिपल्शन होगा और कहाँ अट्रैक्शन होगा। ये प्लस और ये माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ आ जाइए, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस की तरफ जाएगा और प्लस माइनस की तरफ आएगा, ऐसे यहाँ भी अट्रैक्शन काम करेगा, यहाँ भी अट्रैक्शन प्लस माइनस और यहाँ भी अट्रैक्शन प्लस माइनस। अब यहाँ आ जाइए बेटा, ये क्या है प्लस और ये क्या है प्लस, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ। इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया ऊपर, इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया ऊपर।
तो हम कुछ इस तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर एक इधर। यहाँ दो फोर्स काम कर रहे हैं हमारे पास में, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। यहाँ हमारे पास में दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर की तरफ एक नीचे की तरफ। समझ आ रही बात? हर कॉर्नर पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है बेटा ये फोर्सेस के डायरेक्शन को बनाना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं। एग्जाम्पल थर्ड आप देखिए क्या है। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, मान लीजिए कि ट्राइंगल है हमारे पास में, यहां का चार्ज है माइनस क्यू, यहां का चार्ज भी है माइनस क्यू, और ये चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू, ठीक है? अब आप देखिए तीनों कॉर्नर पर बताना है कितना कितना कैसे कैसे फोर्स काम करेगा। अगर ये डायरेक्शन आप लोगों से निकालनी आ गई ना, तो आप ये समझिए कि बहुत सारा काम आप लोगों से आ गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को फिर नहीं होगी, ठीक है? तो बेटा होगा क्या, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस एक दूसरे को करेंगे रिपेल, ये माइनस रिपेल करेगा और ये माइनस आपको रिपेल करेगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस में होगा अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। यहाँ दो फोर्स काम करेंगे, यहाँ दो फोर्स काम करेंगे, यहाँ दो फोर्स काम करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डायरेक्शन बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात। तो आज हमने आपको पढ़ाया है कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ का जितना भी बेसिक था वो सब मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से हमें बेसिक कंडीशंस अप्लाई करनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई हो बात, कोई प्रॉब्लम ना हो। कल हम कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। और लगभग कूलम्स लॉ में मैं आपको 15 से 20 सवाल कराऊंगा, और 15 से 20 क्वेश्चन करने के बाद में आपको कूलम्स लॉ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। आप किसी भी लेवल का, किसी भी स्टैंडर्ड का कोई भी क्वेश्चन बड़े प्यार से आप सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है? लेकिन आप लोगों का काम यह है कि प्रॉपर तरीके से अपने लेक्चर्स को देखते रहें, सही तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें, और अपना होमवर्क हमें सेंड करते रहें। अगर कहीं कोई परेशानी आपको आती है तो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल या इंस्टीट्यूट पहुंचकर आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। कोई डाउट बिल्कुल रहने नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बच्चों।